आज हम लोग देखेंगे कि MEC स्मार्ट कंपनी का जो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है 12 वोल्ट / 24 वोल्ट 10 एम्पियर का, ये कितने AH के बैटरी को चार्ज कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर में पैनल सपोर्ट को देखना पड़ेगा। इससे अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम 130 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर ये वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे होंगे तो इसमें मैक्सिमम 100 वाट तक का ही सोलर पैनल लगाइए, नहीं तो ये काफ़ी हीट होने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको मैं बताता हूँ कि कितने वाट का अगर सोलर पैनल इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे तो कितने AH की बैटरी को ये चार्ज कर पाएगा। सोलर चार्ज कंट्रोलर से ये डिसाइड नहीं होता है कि कितने AH की बैटरी चार्ज हो जाएगी, ये डिपेंड करता है कि सोलर पैनल कितने वाट को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम उस हिसाब से आपको बैटरी का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो अगर आप ये वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं और अगर आप इसके साथ 10 वाट का सोलर पैनल कनेक्ट कर देते हैं तो इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से जो है आप 12 वोल्ट में 4.5 AH वाली जो लेड एसिड बैटरी में SMF बैटरी आती है उसको आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ 20 वाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो एक दिन में जो है 12 वोल्ट में 7.2 AH वाली लेड एसिड बैटरी SMF वाली जो आती है उसको आप एक दिन में चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ 50 वाट पिक का सोलर पैनल लगाते हैं तो एक दिन में जो है 12 वोल्ट में 20 AH वाली सोलर बैटरी आती है लेड एसिड वाली, उसको आप एक दिन में कंप्लीट चार्ज कर पाते हैं। और अगर आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ 100 वाट पिक का सोलर पैनल लगाते हैं तो एक दिन में जो है आप 12 वोल्ट में 40 AH वाली सोलर बैटरी जो आती है ल्यूमिनस और एक्साइड कंपनी की, उसको आप एक दिन में कंप्लीट चार्ज कर पाएंगे, बशर्ते कि आप दिन में लोड यूज ना करें। तो अगर दिन में लोड यूज करेंगे तो कुछ करंट बैटरी को जाएगी, कुछ करंट लोड को चले जाएगा, तो एक दिन में कंप्लीट बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। बैटरी AH कैपेसिटी सपोर्ट जो है सोलर चार्ज कंट्रोल के साथ, ये डिपेंड करता है कि सोलर चार्ज कंट्रोल में मैक्सिमम सोलर पैनल सपोर्ट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है फ्रेंड, जितना ज़्यादा सोलर पैनल सपोर्ट कैपेसिटी होगी उतनी AH के बैटरी को वो चार्ज कर पाएगी। अगर बैटरी में 12 वोल्ट में कितने भी AH की बात करें तो आप इस सोलर चार्ज कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा AH वाला अगर बैटरी लगा देंगे तो चार्ज होगी लेकिन चार्जिंग स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है सोलर पैनल के हिसाब से ही जो है बैटरी का सिलेक्शन करें, तब जाके बैटरी कंप्लीट चार्ज हो पाएगी। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इनसाइडर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।